The book instructions carry road Bhatuvasi, opposite ranger office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी काम की प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। ना सिर्फ ट्रक, इटैची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मेशन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहक को दी है जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शन पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आग बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपके पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शन कैरी रोड बागवस्ती अपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक के सभी जरूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चर्मा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं और देखते ही हैं कि जैसे ही चुनाव आता है तो हमारे नेतागण भी जो है बहुत ही सतर्क हो जाते हैं हर चीज को लेकर कि वे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे द्वीपों से श्री कुलदीप राय शर्मा जी कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए हैं, तो उन्होंने भी जो है इस आने वाले चुनावों में अपनी एंट्री कर ली है और वे भी बड़े जोर शोर से जो है अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हम आपको बता दें कि माननीय श्री कुलदीप राय शर्मा जी हैडो के हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर गए थे आशीर्वाद लेने, जहां पर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक भी दिखाई दिए। चलिए हम आप लोगों को उसकी कुछ झलकें दिखाते हैं। ఆదరించాలి కాబట్టి ఎవరు ఆదరిస్తారో వారికి మనం అన్నమాట ఎప్పుడు మానకూడదు, ఇదే అన్నమాట ఏంటంటే మీ అందరికీ శ్రీ కుల్దీప్ రాయ్ శర్మల్ గారు అతను మనకన్నమాట ఏంటంటే ఒక దీవార్ హమారే భావి ఎంపీ సాహబ్ కు हम जो है हार्दिक हमारा प्रार्थना है आप हमेशा जो है आपका ये आप हमेशा जो तरक्की करें। नमस्कार, आज एक बहुत ही पावन अवसर है, हम सब मंदिर में आज एक साथ इकट्ठे होकर माँ आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं इस मंदिर में माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ हम सबके जीवन में खुशी लाए, हम सबका परिवार अच्छा रखे, हम सबका बच्चों को सब पढ़ाई हो और हम सबके जो भी दिक्कत कर रहे हैं, जो भी चाहत है, सोच है, प्रार्थना है, प्रेयर है, माँ पूरा करें और हम प्रमुख का जो आपसी भाईचारा और जो प्यार है। तो जैसा आपने देखा श्री कुलदीप राय शर्मा जी जिस तरीके से
हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, और उनके साथ जो है सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक भी थे जिन्होंने साथ में आशीर्वाद लिए। वहीं आप लोगों ने देखा भी कि उनके समर्थक भी जो है उनका पूरा सहयोग देने की बातें कर रहे हैं। तो इन सब का जो असर है वो हम सब लोगों को जो है 4 जून 2024 को पता चल ही जाएगा कि आने वाले लोकसभा के लिए हमारे द्वीपों से सांसद कौन बनते हैं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं यमी न्यूज़ अंडमान 24/7 की ओर से आज के इस कड़ी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।